हेलो स्टूडेंट, ज्वाइन है? ओके, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट का एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये इलेक्ट्रोस्टेट कौन सा लेक्चर है? 15th? ओके, लेक्चर 15। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू अगर एक्स आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस 3z k है, और यहाँ पे एक कंडीशन में दिया हूँ कि पोटेंशियल एट ओरिजिन इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द पोटेंशियल एट 1 1 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कहाँ से चलना चाहिए स्टूडेंट? dv इक्वल टू क्या लिखेंगे? ई डॉट डी आर, और ई डॉट डी आर के लिए क्या लिखिएगा? ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, अब प्लस ई जेड डी जेड। ओके, देन भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी लिखिएगा, इसका मतलब माइनस को बाहर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो वी इक्वल टू माइनस आर इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 3z डी जेड, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस वाई क्यू वाई थ्री प्लस 3z स्क्वायर वाई टू। और जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो क्या पुट करते हैं? जब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रहता है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करते नहीं, और वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट, और इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए प्रॉब्लम में ही एक कंडीशन दिया रहता है, जो कि मैंने इसको इस टाइप प्रॉब्लम में एक कंडीशन आपके साथ कैरी ऑन कर रहा हूँ, करेक्ट? तो यहाँ पे भी का वैल्यू जीरो, तो भी का वैल्यू जीरो के लिए क्या कंडीशन दिया होता है? कहाँ पे जीरो होता है? ओरिजिन पे। तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट? जीरो। इसका मतलब है यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं लगता कि आप लोग एक जनरलाइज वैल्यू पोटेंशियल का निकाल लिए? पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बिकम्स व्हाट? पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर बाई टू बाई क्यू बाई थ्री प्लस 3z स्क्वायर बाई टू। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि क्या सिर्फ आप 1.111 पे निकाल सकते हैं या कहीं भी निकाल सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम में? बाई दिस एक्सप्रेशन वी कैन, यस, बाई दिस एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इवन अ स्पेस, क्योंकि यहाँ पे आपको एक जनरलाइज आपको एक्सप्रेशन मिल गया है। तो इस टाइप का, देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलेगा, इससे नीचे लेवल का ही आता आएगा, तो क्या हम लोग से बन जाएगा? इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है स्टूडेंट कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया रहता है और क्या फाइंड आउट करने के लिए रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो भी अगर दिया रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना रहता है, तब उस केस में केयर करना है कि भी को भी जो दिया हुआ है कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है या रेडियस के फॉर्म में दिया हुआ है? रेडियस के फॉर्म में दिया रहता तो वहां से ER निकालेंगे, कार्टिजियन एक्स वाई जेड के टर्म में दिया रहेगा तो वहां से EX निकलेगा, EY निकलेगा, EZ निकलेगा, हाँ या ना? कैसे? EX इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, EY इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डी वाई, और EZ इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डी जेड। इज इट करेक्ट?
अब यहां देखिएगा, देखिए स्टूडेंट आपको समझाने के लिए सिर्फ मेरे पास थ्री चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल बोलते रहता हूँ, पार्टिकल पॉइंट चार्ज पार्टिकल, तो मुझे चाहिए नेट पोटेंशियल। क्या चाहिए स्टूडेंट? नेट पोटेंशियल। तो यहाँ पे पॉइंट पी पे नेट पोटेंशियल कौन कौन मिलकर डेवलप करेगा? क्यू वन करेगा, क्यू टू करेगा, क्यू थ्री करेगा, हाँ या ना? इसका मतलब नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी पी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू वन, हाँ या ना? पोटेंशियल ड्यू टू टू और पोटेंशियल ड्यू टू थ्री, हाँ या ना? तो एक क्या हो जाएगा, क्यू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन, क्यू टू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू, और प्लस क्यू थ्री बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर थ्री, करेक्ट? तो ये बताइए स्टूडेंट कि अगर मेरे पास इस टाइप का बहुत सारा पॉइंट चार्ज पार्टिकल रहता, क्या रहता? बहुत सारा पॉइंट चार्ज पार्टिकल रहता, तब हम लोग क्या करते? तब हम लोग डी क्यू लेते। क्या लेते? डी क्यू। और उसको, और पोटेंशियल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? पोटेंशियल ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी, जो जानते हैं पूछते यस, पोटेंशियल क्या है? वेक्टर, सब लोग क्लास कर रहे हैं तो जब पूछते हैं तो उसका रिस्पॉन्स कीजिए। तो पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को जो अलजेब्रा के तरह से ऐड करेंगे, उसमें क्या कोई पोटेंशियल को ऐड करने के लिए वेक्टर का रूल लगेगा? वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए वेक्टर का रूल लगता है, करेक्ट? तो अगर मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल रहता, तो उसको हम लोग क्या समेशन करते हैं या इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं? इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं, करेक्ट? चलिए यहां देखिएगा स्टूडेंट, वापस मैं इस प्रॉब्लम पे लौट रहा हूं, ठीक है? ये मेरा इनफॉर्मली चार्ज रिंग है, करेक्ट? इनफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस पे टोटल चार्ज है Q, और इस रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस है X एक्सिस। कौन सा एक्सिस? X एक्सिस है, और इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे मैं एक पॉइंट लिया हूं, और इस पॉइंट को फॉर मोमेंट फिक्स रखा हूं, बाद में इसको वेरी करेंगे, ठीक है? तो इस P पॉइंट पे अब मुझे चाहिए नेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर, एक क्वेश्चन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने के लिए बता चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो मैं आपको तरीका बताया था वो थोड़ा बहुत ही फंडामेंटल था, मैं बड़ी बहुत बढ़िया तरीका था, अब उसका थोड़ा सा शॉर्टकट बता देते हैं, ठीक है? ताकि लगे कि नहीं, अब चीज़ बहुत और भी आसान हो जाएगा, और गॉस लॉ जाते जाते और भी आसान हो कर देंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? आपको नहीं लगता कि ओ एम पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ या ना? ओके। और यहां पे एक छोटा सा चार्ज डी क्यू लेते हैं, क्या लेते हैं?
डी क्यू, तो इस डी क्यू के वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट पी को क्या भी लिखेंगे या डी वी लिखेंगे? बहुत छोटा पोटेंशियल। डी क्यू के वजह से पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो बहुत छोटा पोटेंशियल रहेगा, और हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण जानते हैं। ओके, तो यहां पे यही लिखेंगे ना स्टूडेंट, डी क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। हाँ या ना, देखिए तो ओके। और अभी हम लोग इसको क्या मान लिए हैं, पॉइंट पी इज गिवन पॉइंट नहीं, ये क्या है, गिवन पॉइंट है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट डीवी को, तो इसे जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसके इंटीग्रेशन के बाहर जब क्या कौन सा टर्म आ जाएगा, कौन कौन सा टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा? तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कर रहे थे तो आप वहां पे देख नहीं थे कि एक्स को कांस्टेंट मान रहे थे फॉर मोमेंट एट ए गिवन पॉइंट पी, तो आपने था कि 4 पाई एप्सिलॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट टर्म यहां पे बन गया है। तो यहां पे बाहर क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ या ना, और किसका इंटीग्रेशन, डी क्यूब का। और डी क्यू तो अब बताइए, डी क्यू का मतलब चार्ज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टोटल डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, क्यू। हाँ या ना, डी क्यू का, और क्यू क्या है, टोटल चार्ज ओवर द रिंग, इज इट करेक्ट। अब बताइए यहां का डी क्यू, यहां का डी क्यू, यहां का डी क्यू, यहां का डी क्यू, हर डी क्यू से इसका डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा स्टूडेंट या सेम डिस्टेंस रहेगा, सेम डिस्टेंस रहेगा, करेक्ट। दैट्स वाई मैंने डिस्टेंस जो था रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट उसको बाहर ले लिया, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू। डी क्यू डी क्यू डी क्यू बिकम्स व्हाट, क्यू। दैट्स वाई पोटेंशियल इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इज इट करेक्ट। इसका मतलब है इनफॉर्मली चार्ज रिंग के वजह से, इनफॉर्मली चार्ज रिंग के वजह से इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आया, क्यू बाई फोर पाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए कितना बढ़िया एडवांटेज लेते हैं। अब बताइए पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में कौन सा कोऑर्डिनेट, इस पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में बाई कोऑर्डिनेट है जहां पे आप पोटेंशियल निकाले हैं, यू आर फाइंडिंग द पोटेंशियल एट इट्स ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, कौन सा एक्सिस। अब मेरा जो ये रिंग का प्लेन है, प्लेन ऑफ द रिंग, प्लेन ऑफ द रिंग कौन सा प्लेन है, बाईजेड प्लेन है। हाँ या ना, यस स्टूडेंट बाईजेड प्लेन है। तो यहां पे जो मेरा ज्योमेट्रिकल एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो अब अगर हम लोग पॉइंट पी को अगर वैरी करेंगे तो सिर्फ एक्स ही वेरिएबल है क्या, यहां पे बाई और जेड, तो क्या ये पोटेंशियल ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस इज इट फंक्शन ऑफ बाई एंड जेड, और आपको पढ़ाया है ना, यस आपको क्या पढ़ाए हैं, जो दो तीन क्लास से मेहनत कर रहे थे यही तो सिखा रहे थे कि आजकल तो पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में जो कोऑर्डिनेट एब्सेंट रहेगा क्रॉस्पॉन्डिंग टू दैट कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। हाँ या ना, तो बताइए इस एक्सप्रेशन को देखकर क्या फटाक से नहीं बोल देंगे सर इसका तो ई बाई जीरो रहेगा, डैम श्योर। हाँ या ना, आ इसका इजेड भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और सिर्फ क्या रहेगा, ई एक्स रहेगा, नहीं सिर्फ और सिर्फ। हाँ बोलिए, एक्चुअली वही चीज पढ़ा रहा हूं, वहां पे थोड़ा प्रोसेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का था वो थोड़ा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था ना, थोड़ा टफ था। अब सोच रहे मेरे दिमाग में आया कि पहले टफ पढ़ा देते हैं, क्योंकि टफ पढ़ने के बाद इजी पढ़ जाएगा तो ज्यादा मजा आएगा, इजी पढ़ने के बाद टफ पढ़ेगा तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ। तो अब क्या है कि अगर एग्जाम में आ गया और आपके पास टाइम नहीं है और आपको क्वेश्चन बना के भी आ जाना है और मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले पोटेंशियल निकाल लीजिएगा, ओके। और तब यहाँ निकालने के बाद फिर एक लाइन लिख देना है कि पोटेंशियल इज ओनली द फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, दैट्स वाई इसका ई वाई और इजेड क्या रहेगा,
जीरो रहेगा और इजेड भी क्या रहेगा, और सिर्फ क्या होगा, ई एक्स रहेगा। और ई एक्स के लिए क्या लिखिएगा स्टूडेंट, माइनस डी वी बाई। अब चलिए अब यहाँ, अब जब माइनस डी वाई डी एक्स कर रहे हैं तो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि अब हम लोग एक्स को वैरी कर रहे हैं आगे और पीछे। किसी भी पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, किसी भी पॉइंट पे मुझे चाहिए ई एक्स, करेक्ट। तो अब इसको जरा डिफ्रेंशिएट कीजिए तो, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद बताइए वैल्यू कितना होगा। अब वेरिएबल इज एक्स, सब लोग डिफ्रेंशिएट कीजिए। वो तो मुझे भी याद है, एक और भेजना था, 6 बजे लगभग दोनों। ये दिए हैं मुझे आइसोमेरिज्म। अच्छा इसमें टॉपिक नाम लिखना है, लिखे हैं अभी। इनको तो पता ही है, आप इसमें भेज दीजिए टॉपिक तो पता है ना, फोटो क्या होगा। अच्छे वैसे ये दो तीनों बड़े, आप देखिए वहाँ पर थोड़ा सा, अभी भेज दीजिएगा सौरभ। चलिए तो इसका ई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बोलिए तो। आपने था कि एक डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू एक्स, आया ना। तो कौन सा मेथड ज़्यादा ये था, पहले वाला या दिस वन, दिस वन? तो एग्जाम में कौन सा मेथड से बनाएंगे, उस मेथड से या इस मेथड से? सबके चेहरे पे खुशी देख रहे हैं, देख रहा हूं मैं कि लगा कि तो बहुत बढ़िया हो गया, राइट? एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं लेकिन सब लोग देख रहे हैं एकदम खुश हो गए, वाह कितना तो बहुत बढ़िया था। बट वहां पे ये नहीं देखे कि वहां पे मेथड एक कुछ इंटीग्रेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे कोऑर्डिनेट मानते हैं, थ्री डायमेंशन में एक्स वाई जेड प्लेन में कोऑर्डिनेट कैसे मान रहे थे, वहां से आपका माइंड डेवलप कर रहे थे। तो अब समझ में आ गया कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड सबके बीच में रिलेशन बीच में जंप करके क्यों पढ़ा है, ताकि आगे मुझे इसका हेल्प चाहिए। ओके ठीक है, अच्छा अगर आपसे कोई पूछेगा रिंग के वजह से ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे कहीं पे पोटेंशियल चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के हर पॉइंट पे तो पोटेंशियल निकाल लेंगे, आया ना। तो एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे मतलब कहां पे पोटेंशियल, सेंटर पे। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4π ε0 आर। तो सेंटर पे क्यू बाई 4π ε0 आर हो गया, तो नहीं लग रहा कि सेंटर के लिए ऐसा भी तो फील आया कि सेंटर के लिए ऐसा लग रहा है मानो सारा चार्ज एक ही जगह है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या रिंग के किसी एक पॉइंट पर टोटल चार्ज बैठा हुआ हो, डिफरेंट पोटेंशियल या सेम पोटेंशियल, ये सारे चार्ज को सिमट कर यहां पर रख दें रिंग में, रिंग के केस में ओनली फॉर द सेंटर नॉट फॉर द अदर पॉइंट, सेंटर ऑफ द रिंग के लिए एक ही जगह पे रिंग के एक ही पॉइंट पे टोटल चार्ज रहता या पूरा रिंग में इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता, डिफरेंट पोटेंशियल आता या सेम पोटेंशियल? सेम आता। अब देखिए एक और बढ़िया बात, बट ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन ये बताएं स्टूडेंट कि मान लेते हैं कि यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी रहता, यूनिफॉर्म यहां देखिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म भी होता पॉइंट टू बी नोटेड,
तब भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन पे डिफरेंट एक्सप्रेशन आता है या सेम ही एक्सप्रेशन आता है? नॉन इन्फॉर्म भी रहता तब भी तो आप डी क्यू लेते, करेक्ट? और जब डी क्यू लेते और यहां पे डी वी इक्वल टू लिखते, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात नहीं बोल रहा हूं बट पोटेंशियल के लिए डैम श्योर हूं कि रिंग पे इन्फॉर्म हो या नॉन इन्फॉर्म हो, करेक्ट? जब इंटीग्रेट करते तो इंटीग्रेशन में ओनली वेरिएबल क्या रहता, डी क्यू। अब कहीं पॉइंट बी नोटेड, डी क्यू कहीं पे, डी क्यू का कहीं पे वैल्यू ज्यादा या डी क्यू का कहीं पे वैल्यू कम, क्या फर्क पड़ेगा? डी क्यू का इंटीग्रेशन तो टोटल क्यू लेना है, रिंग का टोटल चार्ज लेना है, हाँ या ना? अलग अलग डी क्यू अलग अलग वैल्यू का हो सकता है, कहीं पे लैम्डा डी एल, कहीं पे लैम्डा डी लैम्डा डैश डी एल, क्या दोनों तो डी क्यू ही है बट सेम डी क्यू है, अलग अलग डी क्यू है? दैट्स वाई अगर रिंग पे नॉन इन्फॉर्म चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता तब सिर्फ पोटेंशियल का बात करते तो डिफरेंट एक्सप्रेशन होता या सेम एक्सप्रेशन होता? सेम ही एक्सप्रेशन रहता, क्योंकि यहां भी हम लोग क्या करना था, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू करना था, और ए वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को बाहर लेते और डी क्यू का इंटीग्रेशन करते, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आता, क्यू आता। इसलिए हो सकता है कि एक पजल क्रिएट करने के लिए किसी एग्जाम में ए दे दिया जाए कि नॉन इन्फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ऑन द रिंग, तो उसके कारण इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होगा, तो जो इन्फॉर्म के लिए रहेगा वही क्या रहेगा, नॉन इन्फॉर्म के लिए रहेगा। ओके, ठीक है ना? चलिए, यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहां देखिए स्टूडेंट, बट इस रेगुलर पॉलीगोन के लिए मैं बोलने जा रहा हूं, किसके लिए बोलने जा रहे हैं, रेगुलर पॉलीगोन मतलब ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, आए तो पता है ना कि तीन पॉइंट से सर्किल पास करेगा ही करेगा, हाँ या ना? तो ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, तो ऐसा मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा बाईजेड प्लेन में था, समथिंग लाइक दिस, या आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप एक्स वाई प्लेन मान लीजिए, ए मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल किस, ए मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल किस प्लेन में है, और जिसका लेंथ साइड ऑफ द लेंथ है ए, तो क्या इसका वर्टिसेस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और एक किस प्लेन में है, सब लोग बोला कीजिए, एक किस प्लेन में है, मान लेते हैं कि मेरा बाईजेड प्लेन है, ऐसे मान लेते हैं, मैं व्हाइट बोर्ड को भी बाईजेड प्लेन मान रहा हूं थोड़ा देर के लिए, तो बताइए अगर इस वर्टिसेस से इसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस आर है तो नहीं रहता कि इस सर्किल का भी रेडियस आर रहेगा, हाँ या ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड ऑफ द सर्किल ही तो क्या है, जो यहां सर्किल पास करेगा उसका रेडियस रहेगा, या बाकी ट्रायंगल में भी, तो यहां पे रेडियस आर है तो, और इसके बाद पूछा जाएगा कि मेरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो मेरा बाईजेड प्लेन में है, अरे मुझे कहीं से अभी ऐसा ख्याल आ रहा है कि कहीं पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस टाइम के लिए आपको रेडी कर रहे हैं, तो आपको तो मैं पढ़ाया हूं कि रिंग पे अगर चार्ज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग पे चार्ज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज क्यू और इसका अगर रेडियस आर है और ये मेरा बाईजेड प्लेन है,
तो इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस कौन सा एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस, हाँ या ना। ज्योमेट्रिकल एक्सिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ओके। तो इसका एक्सप्रेशन तो हम लोग यही रटे हुए हैं ना, इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के लिए ईएक्स इक्वल टू व्हाट, 4πε0 बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू व्हाट, एक्स। तो स्टूडेंट आज के बाद ये जो रिजल्ट रिजल्ट रिंग के लिए आता है डिटो वही रिजल्ट इन तीनों चार्ज पार्टिकल, ये तीनों चार्ज पार्टिकल रिंग पे नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे है, कहां पे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे है, बट इस इन तीनों चार्ज के कारण ये इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे सेंट्रोइड से जो लाइन पास करेगा उसके पॉइंट किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो डायरेक्टली इस चीज को यहां पे लगा दीजिएगा, ऐसा मान लीजिएगा, ऐसा मान लेंगे प्रोवाइडेड के रेगुलर पॉलीगोन से, ऐसा मान लेना है कि तीनों चार्ज इस रिंग पे फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि वही रिजल्ट आता है, कौन सा रिजल्ट आता है जो रिंग के लिए आता है, करेक्ट। दैट्स व्हाई इसके कारण जो ईएक्स मिलेगा उसका वैल्यू क्या लिख देना है, क्यू बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू एक्स, समझे। और यहां पे क्यू का काम कौन करेगा, यहां पे क्यू का काम कौन करेगा, 3q, और 3q को क्या मान लेना है, जस्ट इसके जैसा, यस, समझ गए। तो एक क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, तो आज एग्जाम में अगर इसके कारण इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे यहां पे निकालना शुरू कीजिएगा तो लगता है कि आसान प्रॉब्लम है अगर सही से इमेजिन करेंगे तो। इसके कारण ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण ऐसे आएगा, इसके कारण ऐसे आएगा, और कंपोनेंट आप ब्रेक करेंगे तो आपको नहीं था कि इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे मिलेगा, आपको जस्ट लाइक दिस किसी पॉइंट पे ऐसा ही मिलेगा ना, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से मिलेगा, करेक्ट। और इस तरीके से मिलेगा तो उसका जो कंपोनेंट रहेगा इस एक ऐसे जो कंपोनेंट मिलेगा एक एकदम बिल्कुल लाइन के परपेंडिकुलर वो 120 120 120 का एंगल बनाएगा, तो वो कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और बाकी एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन मिल जाता है, और उसका वैल्यू इसके बराबर ही होता है जो यहाँ पे लिख दिया हूँ। दैट्स वाई आपको फास्ट करने के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, यही एक्सप्रेशन आएगा, ओके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेंथ ए है तो आर नहीं निकाल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से निकल जाएगा, बट दिस इक्वल टू दिस करना है अनसिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्रिकल पॉलीगोन के लिए, सिमेट्रिकल पॉलीगोन के लिए, यस। वैसे मान लेते हैं कि अगर ए स्क्वायर है स्टूडेंट, तो स्क्वायर के सेंटर पे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा नहीं, स्क्वायर के सेंटर पे तो हम लोग नहीं बता देंगे सेंटर पे, बट अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा ए स्क्वायर है और इसके वर्टिसेस पे स्मॉल क्यू है, करेक्ट, बट मुझे चाहिए और ए मेरा इसका लेंथ स्क्वायर का ए है और मुझे चाहिए और मेरा स्क्वायर है बाईजेड प्लेन में, कौन सा प्लेन में, तो अगर यहां से लाइन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर नाउ बिकम्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, हाँ है ना। तो इसको भी कैसा ट्रीट कर लेना है, इस स्क्वायर को भूल जाइएगा और क्या मान लेना है, ऐसा मान लेना है कि मानो कि स्क्वायर ना होके एक रिंग है, क्या है, रिंग है, और रिंग पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4q, और इस रिंग का रेडियस निकाल लीजिएगा यहां से यहां तक कितना है, a√2, तो रेडियस कितना हो जाएगा, r = ay√, तो r निकल जाएगा और तब ex = क्या हो जाएगा, q/4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू एक्स। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत बढ़िया फॉर्मूला हो गया हम लोग के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेगुलर पेंटागोन हो, रेगुलर हेक्सागोन हो, रेगुलर हेप्टागोन हो, रेगुलर ऑक्टागोन हो, सबका ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे अगर हर सबके वर्टिसेस पे अगर आइडेंटिकल चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफॉर्मली है, तो उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे हम लोग का फॉर्मूला और रिंग के कारण
इनफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे फार्मूला डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, प्रोवाइडेड, यस प्रोवाइडेड कि आप रेडियस निकालने के लिए जानते हैं, तो रेडियस तो निकाल लेंगे ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है और फिर से पूछने का चांस बनेगा। और वही अगर रेगुलर पॉलीगॉन का साइड को अगर इनफाइनाइट कर दिया जाए तो नाउ बिकम्स व्हाट? सर्कल। क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा। ओके इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ाने के बाद मैं खुद ग्रुप में इंडिकेट करके मैसेज कर दूंगा कि जो आईआईटी जेई मेन और आईआईटी तक सोच रहे हैं, नॉट फॉर मेडिकल, मेडिकल के भी मेंशन कर देंगे, एचसी बनाना कॉमन फॉर ऑल, वो सबको बनाना है, बट इसमें इलेक्ट्रोस्टेट के लिए जैसे ही खत्म करेंगे तो मैं क्वेश्चन नंबर बोल दूंगा कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रोस्टेट के लिए है, ठीक है? तो वो देख लीजिएगा और इतना पढ़ाने के बाद आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ए इरोडोब का ही क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में कॉमन क्लास में लेने के वजह है कि एक क्वेश्चन हम सबको बनाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि मेरे पास एक सेमी इनफाइनाइट थ्रेड है। क्या है? सेमी इनफाइनाइट थ्रेड है, यस, और जिस पे अरे थ्रेड एक्चुअल में इट इज द ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द रिंग। यही क्या है? ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द रिंग है। अब मेरा रिंग, इस रिंग पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रिंग और ए थ्रेड आपस में टच नहीं कर रहा है। अगर ज्योमेट्रिकल एक्सिस है तो एक क्या इसके पेरिफेरी को टच करेगा? डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में इमेजिन कीजिए तो करेगा क्या? इट इज काइंड ऑफ दिस वन ना, कि यहां से पास कर रहा है कोई लाइन, करेक्ट? हाँ या ना? मार्कर देखिए, यस। और इसका रेडियस दिया हुआ है आर, और तब क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द फोर्स ऑन रिंग, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। इस थ्रेड पे, इस पे टोटल चार्ज स्मॉल क्यू दिया हुआ है और इस थ्रेड पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। पूछा गया है फाइंड द फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू थ्रेड, यही क्वेश्चन है। तो किस पे फोर्स किसके वजह से, इसके लिए मैं आपको टाइम नहीं दूंगा कि हाँ आप लोग सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। किस पे फोर्स निकालना है किसके वजह से स्टूडेंट? रिंग पे फोर्स निकालना है इस लाइन चार्ज के वजह से, नहीं? इसका मतलब किसका चार्ज, और फोर्स का फॉर्मूला तो यही होता ना, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ये जो F निकाले हैं किस पे फोर्स है? Q पे है, हाँ या ना? इसका मतलब है कि रिंग पे फोर्स निकालना है इसके कारण, तो किसका फील्ड लेंगे और किसका चार्ज लेंगे?
वेरी गुड, रिंग रिंग का चार्ज लेंगे और इसका फिल लेंगे, नहीं रिंग का चार्ज लेंगे और इसका फिल लेंगे स्टूडेंट। तो मान लेते हैं कि इस एक यहाँ पे दिखा रहे हैं और इसके वजह से इन सेमी इनफाइनाइट है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। तो नहीं लगता कि इसके कारण इसके पेरिफेरी पर कहीं पर डी क्यू लिए हैं, ए डी क्यू और यहाँ पर कैपिटल डी क्यू, तो इसके कारण यहाँ पे जो फील्ड निकाल रहे हैं स्टूडेंट, तो इसके कारण जो फील्ड निकालिएगा तो इसको यहाँ से ज्वाइन कीजिएगा और इस फील्ड को पहले यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, हाँ या ना। तो आपको नहीं लगता है कि रिंग पे जो फील्ड आएगा वो इस टाइप का फील्ड रहेगा कोण बनाकर, जो इस लाइन चार्ज के कारण इस पे जो फील्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, नहीं लगता कि इस टाइप का फील्ड रहना चाहिए, इस टाइप का फील्ड रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि अब इसका रहेगा तो आपका मान लीजिए यही दो फील्ड आप इमेजिन करते हैं, जिसका एक कंपोनेंट ए, एक कंपोनेंट ए, एक कंपोनेंट ए, एक कंपोनेंट ए, और ये आपस में कैंसिल होगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे भी बना सकते हैं जिनका मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा पकड़ है। तो एक्चुअल में बहुत स्मार्टली एक क्वेश्चन, ये हम लोग के टाइम पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन माना जाता था और अभी भी ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन क्लासिकल क्वेश्चन है, मतलब पहले एक चलता था बायजी फाइल किसी किसी कोचिंग का, तो या हर जगह तो एक क्वेश्चन कॉमन मिलता था और उसमें जानबूझ के पूछा जाता था फाइंड द फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू थ्रेड। बट इसका बनाने का तरीका जो सही होना चाहिए हम लोग उल्टा काम करेंगे, पूछा गया है फाइंड द फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू व्हाट थ्रेड, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकाल लेंगे फाइंड द फोर्स ऑन थ्रेड ड्यू टू व्हाट रिंग, करेक्ट। और ए फोर्स निकाल कर, तो अगर ए निकल गया तो क्या ए फोर्स निकल जाएगा, कौन सा लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ, कौन सा लॉ, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाता है दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाता है, लेकिन डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ए टफ है तो ये आसान कैसे हो गया, तो ये आसान ऐसे हो गया कि रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है, नहीं रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स इस पॉइंट पे हम लोग रिंग के वजह से ई एक्स पता है, ई एक्स ड्यू टू रिंग हाउ मच, क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू एक्स, हाँ या ना। और उस यहां पे हम लोग लेंगे डी क्यू, क्या लेंगे डी क्यू, और डी क्यू के लिए नहीं लगता है, और यहां से एक्स पे हम लोग मान रहे हैं डी एक्स, क्या मान रहे हैं डी एक्स। तो अगर डी क्यू निकालते हैं तो डी क्यू का वैल्यू कितना रहेगा, लैम्डा डी एक्स, हाँ या ना। और लिखना चाहते हैं लैम्डा मॉडुलस ऑफ डी एक्स, बट हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, दैट्स वाई मेरा डी एक्स पॉजिटिव था इसलिए मैं डायरेक्टली लैम्डा डी एक्स ले लिया, ओके। और तब हम लोग इस डी क्यू पे, इस डी क्यू पे हम लोग निकाल लिए डी एफ एक्स, डी क्यू पे बहुत बड़ा फोर्स है बहुत छोटा फोर्स, और क्या इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं चार्ज, चार्ज इस यहां का और फील्ड रिंग का, हाँ या ना। तो हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू एक्स, यहां तक करेक्ट है। और तब और इस टाइप का कितना डी क्यू, ये पूरे लाइन पे इनफाइनाइट, तो सारा डी क्यू का फोर्स निकाल लेंगे तो हो गई, सारे डी क्यू पे अगर फोर्स को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेट फोर्स ऑन दिस लाइन, आया ना। तो उसके लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स के लिए इसमें कांस्टेंट क्या है, जो भी कांस्टेंट इसको बाहर लेते हैं तो कांस्टेंट है लैम्डा क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन एक्स
डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, मेरा लाइन कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से, यस। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप बताइए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर नहीं पता रहेगा तो एक क्वेश्चन बनेगा, और एडवांस के लिए अगर थोड़ा भी ड्रीम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको क्या लगता है कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोर्ड टाइप का होगा कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ याद रखना है, बट आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सोच रहे हैं तो उसका रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पूछता रहेगा या उस पर प्रॉब्लम पूछा जाएगा, उस पर प्रॉब्लम पूछा जाएगा ना इस तरीके से। तो अब बताइए ऐसा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाए थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करके, कहीं पे ऐसा आया था, उसमें नहीं लगता कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के लिए मैं बाई मान लिया था, है ना, या जेड मान लिया था, तो इंटीग्रेट करके बताइए तो कितना आता है। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू मैं मान लिया था बाई, ओके स्टूडेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या था 2x, देन डी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2x डी एक्स, देन एक्स डी एक्स के लिए क्या लिखेंगे डी वाई बाई टू, देन एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा क्यू बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट डी वाई बाई टू, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना था, इसको तो बाई मान लिया है ना, तो बाई के पावर 3/2, हाँ या ना, बाई के पावर 3/2, और हाफ को बाहर निकाल लीजिए तो लैम्डा क्यू बाई 8 pi एप्सिलॉन नॉट, और बोलिए बाई के पावर 3/2 को ऊपर लेके जाके ऐसे कर सकते हैं, अब बाई के पावर -3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, हाउ मच लैम्डा क्यू बाई 8 pi एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बाई के पावर -3/2 + 1 और डिवाइड बाई -3/2 + 1, यही ना, तो कितना रहेगा माइनस हाफ, और यहां पे भी कितना बचेगा स्टूडेंट माइनस हाफ, हाँ है ना, तो हो गया लैम्डा क्यू बाई 8 pi एप्सिलॉन नॉट और बाई के पावर -1/2, तो क्या ये लिख सकते हैं, यहां भी -1/2 है तो -1/2 में तो 2 ऊपर चला जाएगा, देखिए तो क्या ये लिख सकते हैं, देखिए तो मैंने सही लिखा, लैम्डा क्यू बाई 8 pi एप्सिलॉन नॉट, अब बाई को क्या माने थे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नहीं क्योंकि हम लोग को लिमिट तो एक्स का पता है, बाई के टर्म में लिमिट हम लोग देखे नहीं, निकाल सकते हैं, बट अब बाई का जो माने थे लास्ट में बाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, और तब ये क्या हो गया -2/√x2 + r2, और एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इन्फिनिटी, तो जीरो से इन्फिनिटी अगर लीजिएगा तो देखिए तो क्या आ जाएगा, पहले ए पुट कीजिएगा तो हो जाएगा जीरो, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, हाँ या ना, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा क्यू बाई 8 pi एप्सिलॉन नॉट, बोलिए 2/, हाँ या ना, तो लैम्डा क्यू बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट, और यही तो आंसर होगा, करेक्ट, तो एक किस पे फोर्स है, ए फोर्स किस पे है, फोर्स ऑन थ्रेड ड्यू टू रिंग, बट आपको किस पे निकालना था, आपको निकालना था फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू थ्रेड का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, तो बताइए आपको नहीं लगता कि रिंग थ्रेड पे रिंग जितना फोर्स, बड़ा फोर्स लगाएगा उतना ही बड़ा फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिंग पे भी थ्रेड लगाएगा, और डायरेक्शन क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट, इसका मतलब यहां पे क्या वैल्यू आ जाता, हाँ या ना, तीन था कि न्यूटन थर्ड लॉ का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत छोटा सा बात रहता है लेकिन कितना बड़ा बात हो गया है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये बढ़िया प्रॉब्लम है, ठीक है।
जिसको घर पे भी आप लोग एक दो बार रफ में प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तक क्लियर? देखिए क्या लिखे हैं, सिर्फ टू चार्ज पार्टिकल नहीं लिखे हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज दो ही चार्ज पार्टिकल रहेगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए? एक कंपलसरी नहीं है। यहां देखिए, इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। Q1, Q2, Q3, ठीक है स्टूडेंट। इसका यूज मैं कैपेसिटर और कंडक्टर में बहुत भयानक करूँगा या गॉस लॉ में, बट इसको अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। और इस Q1, Q2 के बीच के डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ R12। क्या बोल रहे हैं? R12। इसके बीच का डिस्टेंस को R23 बोल रहा हूँ, इसके बीच का डिस्टेंस को R13 बोल रहा हूँ। तो R13 या R31 डिफरेंट डिस्टेंस रहेगा या सेम डिस्टेंस रहेगा? यहाँ से यहाँ का पोजीशन या यहाँ से यहाँ का पोजीशन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा या सेम होगा? सब लोग रिस्पॉन्स किया कीजिए। कुछ लोग तो परमानेंटली म्यूट कर दिए हैं अपने माइक को। R12 और R21 डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो थ्री चार्ज पार्टिकल है स्टूडेंट, इन सब का टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या पूछ रहे हैं? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो आपको पढ़ाए हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का ही पढ़ाए हैं, हाँ है ना? तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब अगर पेयर बनाइएगा दो दो चार्ज पार्टिकल का, तो हाउ मेनी पेयर बनेगा, कितना पेयर बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 Q2 है ना, तीन बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 Q2, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q2 Q3 एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q3 है ना? ओके, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अब आप में से मत बोलिए सर R21 लिखिए, एक ही बात है, ठीक है? तो एक हो गया, अब प्लस Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। अब प्लस यहां देखिए Q3 Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 है ना? यहां तक आ गए? ओके सर, अब कितने पार्टिसिपेंट हैं? ट्वेंटी वन है। ओके, वर्क पावर एनर्जी में कम हो जाते हैं नहीं? चलिए, आज आप लोग का 8 बजे तक क्लास है नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। यहां देखिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, स्टूडेंट ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं ना? मैं 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है ना? इसी को तो यहां लिखे हैं। अब हम लोग के पास कितना टर्म टोटल? 6 टर्म।
दो टर्म इसका, हाँ या ना, और दो टर्म इसका, और दो टर्म इसका, हाँ या ना। तो चलिए इसमें बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा और मुझे करेक्ट कीजिए अगर रॉन्ग है तो। देखिए तो ऐसे इस सारे टर्म को कैसे, क्या रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं? प्लीज़ सब लोग कॉपरेट कीजिए। थोड़ा देखिए कि इस पूरे यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट को मैं ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है? ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। अब बताइए ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये वैल्यू जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ देखिएगा, ये क्या है बोलिए सर? ये पोटेंशियल है। क्या है और किसका पोटेंशियल है? बोलिए Q2 का। कितना डिस्टेंस पे है? R12 पे। कितना? इसका मतलब ये नहीं लग रहा है कि दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट पॉइंट वन, एट पॉइंट वन, हाँ या ना? और ये क्या है? दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल, हाँ या ना? अरे किसका पोटेंशियल? Q3 का। कहाँ पे? अगेन कितना डिस्टेंस पे? R13 मतलब पॉइंट वन पे। इसका मतलब ये हुआ कि नेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q1, और क्या लिख रहे हैं? पोटेंशियल एट वन ड्यू टू टू प्लस पोटेंशियल एट वन ड्यू टू थ्री, हाँ या ना? अब प्लस अगेन Q2, पोटेंशियल एट टू ड्यू टू वन अब प्लस पोटेंशियल एट टू ड्यू टू थ्री, हाँ या ना? अब प्लस Q3, पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू 2। देखिए तो करेक्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर Q1 का पोटेंशियल निकालना है तो वहां पे क्या लेंगे? V1। क्या लेंगे स्टूडेंट? V1। अब V1 क्या है? नेट पोटेंशियल एट Q1, हाँ या ना? प्लस Q2 लेंगे तो V2 क्या है? नेट पोटेंशियल एट Q2। और अगर Q3 लेंगे तो क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर एक क्वेश्चन तो पहले, ये तो पहले ही पढ़ लिए ना कि पोटेंशियल इक्वल टू Q into V, हाँ या ना? ये तो पिछले क्लास में पढ़े हैं, करेक्ट? लेकिन पिछले क्लास में आप सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए पढ़े थे। किसके लिए पढ़े थे? सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए ये आपको काम करेगा। अगर पॉइंट टू बी नोटेड, हो सकता है कि आपका दिमाग में ये भी एक फॉर्मूला चलते रहता और आप इनिशियल में शुरू से अगर ऐसे नहीं करते, आप ये दिमाग में नहीं रहा और शॉर्टकट चलने के लिए यही फॉर्मूला रहा, तब तो अब एग्जाम में आप ये भी कर सकते थे Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3 लेके आ जाते, हाँ या ना? बट जब ये लिख कर आते तो आपको नहीं था कि आप जस्ट डबल वैल्यू लिख कर आ गए एग्जाम में? मिस्टेक होने का चांस, समझ रहे हैं? कि ये जो दिए थे वही अगर यहां पे लगाते, क्योंकि Q1 V1 Q2 V2 Q3 V3, बट जो लिखते तो वो हो गया सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता है कि दो दो चार्ज पार्टिकल का पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो दो चार्ज पार्टिकल का
पेयर बनाते हैं, तो उस केस के बाद अगर डिराइव करते हैं तो जब दो चार्ज पार्टिकल है तब तो वहाँ पे आपसे मिस्टेक नहीं होगा, दो चार्ज पार्टिकल तक बिल्कुल काम करेगा। टू चार्ज पार्टिकल सिर्फ रहता तो एक ये फार्मूला लिखते या ये लिखते एक ही बात होता, लेकिन अगर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है जहाँ पे दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल और इस फार्मूला का यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली सिर्फ ये नहीं यूज कर सकते हैं, तो फार्मूला क्या बनेगा, हाफ क्यू वन वी वन, हाँ या ना, हाफ क्यू वन वी वन प्लस क्यू टू वी टू प्लस क्यू थ्री वी थ्री। इसी को कोई थोड़ा बहुत अगर यहाँ देखिए अपने खुद से अगर कोई कैपेसिटर पढ़े होंगे तो कैपेसिटर में एक फार्मूला में ऐसे डायरेक्ट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम के लिए हाफ क्यू इंटू वी लिख दूंगा, क्या लिख देंगे, हाफ क्यू इंटू वी, समझ गए। तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है इसमें एक ही चार्ज पार्टिकल है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, दैट्स वाई सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए क्या क्यू इंटू वी रहेगा या हाफ क्यू इंटू वी। तो आपको नहीं लगा कि शायद ये होगा सम ऑफ क्यू आई क्यू आई वी आई, हाँ या ना, अगर इस फार्मूला का क्यू इंटू वी का यूज करना चाहते हैं तो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए एक्चुअल फार्मूला इज व्हाट, हाफ सम ऑफ क्यू आई वी आई, क्यू आई क्या है चार्ज ऑफ आईथ पार्टिकल, अब वी आई क्या है, वी आई है नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू अदर चार्ज पार्टिकल, हाँ या ना, नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू अदर चार्ज पार्टिकल, करेक्ट, ये समझ में आया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार, कि दो चार्ज पार्टिकल के लिए आप वैसे लिखिए या ऐसे लिखिए बच के निकल जाएंगे, बट सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए ऐसे लिखें तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बट गलती से अगर ये भी दिमाग में रहा कि सर तो ये भी तो पढ़ाए हैं तो क्यू वन वी वन लिख दीजिए प्लस क्यू टू वी टू प्लस क्यू थ्री वी थ्री, तो आप वहां पर नहीं लगता कि आपका आंसर जस्ट डबल आ जाएगा जो आना चाहिए, दैट्स व्हाई सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए फार्मूला शुड बी व्हाट, दिस वन, कौन सा रहेगा, अगर इस फार्मूला से चलना चाहते हैं क्यू इंटू वी के फार्मूला से चलना चाहते हैं क्यू इंटू वी के फार्मूला चलना चाहते हैं तो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए ये फार्मूला काम करेगा, हाफ समय सम ऑफ क्यू आई वी आई। आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं, सब लोग का रिस्पॉन्स चाहिए, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने क्या सोच रहा हूं, कहां पे मिस्टेक हो सकता था, एक एक फार्मूला में कहीं पे दिया था बट फिर से उसी फार्मूला के लिए ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल को वही फार्मूला को ऐसे मॉडिफाई कर दिया, तो अब समझ में आ गया कि क्यों मॉडिफाई हुआ था, तो ऐसे चलकर प्रूफ कर दिया कि देखिए सिस्टम ऑफ चार्ज दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल रहेगा तो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, और दो क्या है यहाँ पे तो आप जितना भी ले सकते हैं, और एक काम आपको कैपेसिटर में बहुत हेल्प करेगा, और कैपेसिटर में डायरेक्ट मैं लिख दूंगा और तब बोलेंगे देखिए ऐसा हम लोग कहीं पर डिराइव किए थे, हाँ या ना, चलिए अब यहां देखिएगा हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल
ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब देखिए स्टूडेंट, अब मेरा ये रिंग नहीं है, और जब डेरिवेशन करते हैं ना तो डेरिवेशन एक्चुअली प्रॉब्लम बनाने का तरीका होता है। डेरिवेशन में तो डेरिवेशन तो थियोरेटिकल पार्ट डेरिवेशन आ ही सकता है, और इस टाइप का डेरिवेशन आएगा तो कम से कम 5 मार्क्स में आएगा बोर्ड में। और मुझे नहीं लगता है कि अगर डिफरेंट रेडियस का डिस्क है तो उसको आप गॉस लॉ से बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पे आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये है मेरा इनफॉर्मली चार्ज डिस्क, और इसका रेडियस है आर। और आपको सिलेबस में ये पूछा जाएगा, फाइंड पोटेंशियल एंड फील्ड ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। कहां पे पूछा जाएगा स्टूडेंट? पोटेंशियल एंड फील्ड वेयर ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो मैं सपोज कर रहा हूं कि मेरा ये जो डिस्क है ये मेरा बाइजेड प्लेन में है। कौन सा प्लेन में है? तो बाइजेड प्लेन में अगर मेरा डिस्क है तो इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस कौन सा एक्सिस हो जाएगा? एक्स एक्सिस। और यहाँ पे चार्ज कैस चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया में डिस्ट्रीब्यूट। ओके, तो चार्ज पर यूनिट एरिया तो हम लोग निकाल लेंगे ना। हाउ मच? क्यू बाई पाई आर स्क्वायर है ना, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट एरिया, करेक्ट। अब चलिए, अब ये बताइए स्टूडेंट कि मान लेते हैं, यहां सब लोग देखिएगा, ए डेरिवेशन आ सकता है। इसलिए मेरा आप लोग से नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपना ध्यान इधर उधर से हटाकर बोर्ड पे देखिए। ऐसे सब देख ही रहे हैं बट फिर भी बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे चार्ज Q था तो अभी रिंग के लिए यहाँ पे पोटेंशियल पढ़ाए हैं। क्या फार्मूला था पोटेंशियल का, बोलिए तो, उसको बाद में देखेंगे। क्या था? Q by x square plus r square क्या पावर हाफ। वेरी गुड। अब ये बताइए स्टूडेंट कि चार्ज क्यू ना रह के अगर डी क्यू रहता रिंग पे, इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज क्यू ही रहेगा? डी क्यू भी तो हो सकता है। तो डी क्यू रहता तो यहां पे क्या लिख देते स्टूडेंट? डी क्यू, करेक्ट। तो डी क्यू लिख देते यहां पे क्या लिखते? डी वी, हाँ या ना? और डी वी क्या लिखते? डी क्यू बाई 4 pi epsilon एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर हाफ। बट फार्मूला पे कोई फर्क पड़ता है या सेम ही फार्मूला रहता है रिंग के लिए? तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसमें तो समझ में आएगा ही आएगा। आ गया? ओके, अब यहां देखिए स्टूडेंट, एक अलग डायग्राम सर आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है? फिर से आप लोग नोट्स बनाते जा रहे हैं या नहीं बनाते जा रहे हैं? वो काम आप ही को करना पड़ेगा। चलिए यहां देखिए, इसका रेडियस बड़े, ये डिस्क का रेडियस कैपिटल आर था। क्या था? कैपिटल आर। मैं स्मॉल आर का
यहाँ से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस का, कितना का, सपोज कीजिए कि मैं बोला कि आप इसको ऐसे कट करके बाहर निकालिए, तो इसको जब कट करके बाहर निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या नजर आएगा आपको, बोले कि यहां से सेंटर से डिस्क में ही सेंटर से आर रेडियस पे डी आर थिकनेस का ऐसे कट करके बाहर निकालते, तो आपको लगेगा कि इट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रिप। रिबन देखें, रिबन बांधने वाला, तो रिबन जो रहता है तो इसको बाहर निकालिए, कट करके जिसको मैं सेरेड किया ना उसको बाहर निकालिए, अब बाहर निकाल के ऐसे कट कर दीजिए और कट करके इसको ऐसे फैला दीजिए, आपको नहीं था इट इज काइंड ऑफ दिस वन, हाँ या ना। आ इसका लेंथ कितना रहेगा स्टूडेंट, 2πr। आ इसका थिकनेस कितना रहेगा, dr। यहां पे भी तो थोड़ा चार्ज रहेगा, हाँ या ना, करेक्ट, यहां पे भी चार्ज रहेगा। और तो अब आपको नहीं लगता कि इट इज काइंड ऑफ रेक्टेंगल, ये जो स्ट्रिप है रिबन है वो भी तो इट इज काइंड ऑफ रेक्टेंगल ही तो होता है, जिसका लेंथ है 2πr और विड्थ कितना है dr, हाँ या ना। तो नहीं, सब लोग पूछते रहते हैं ना, पूछना पड़ेगा, इसका विड्थ हो गया dr तो इसका एरिया कितना रहेगा, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो 2πr इंटू dr, तो 2πr इंटू dr ये एरिया हो गया, करेक्ट। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, और देखिए डिस्क में बाद में पढ़ाया और रिंग पहले पढ़ाया हूँ, इसके पीछे वजह था कि रिंग का जो फार्मूला का एप्लीकेशन था वो डिस्क में यूज होता था, कहाँ यूज करेंगे उसके फार्मूला का, रिंग के फार्मूला का यहाँ पे यूज कर लेंगे, दैट्स व्हाई रिंग का सारा कॉन्सेप्ट पहले मैंने क्लियर किया। अब बताइए, जब आपको पहले ही बोल चुके हैं कि इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, तो एलिमेंट क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं, तो मैंने जो यहाँ पे आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का जो एलिमेंट यहाँ से लिया तो वो क्या था, एक लाइन है या एक एरिया है, एरिया है, और जिसका एरिया कितना है 2πr dr, कितना है स्टूडेंट 2πr dr, तो इस एरिया में टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा dq, और dq के लिए क्या लिखेगा सिग्मा इंटू डी ए, हाँ या ना, सिग्मा इंटू डी ए, और सिग्मा तो मेरा कांस्टेंट है ना यहाँ पे, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो 2πr dr, हाँ या ना, देखिए तो सही है, ओके। अब देखिए खुद बताइए स्टूडेंट, आपको नहीं लगा कि इसी रिंग का बात कर रहे थे जिस पे चार्ज कितना था dq, और dq तो हम लोग निकाल लिए ना, तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल इस रिंग पर के वजह से, जो रिंग मैंने यहाँ पे इमेजिन किया, तो बोलिए इस टाइप का डी, यहाँ देखिएगा इस टाइप का dr थिकनेस का विथ वेरिएबल रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना रिंग हो सकता है, इनफाइनाइट रिंग, कितना रिंग हो सकता है वेरिएबल रेडियस, आर है फिर आर डैश हो जाएगा इस तरीके से इनफाइन, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे हर रिंग के वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, हाँ या ना, कैसे Q1 Q2 Q3 है, तीन चार्ज पार्टिकल लेते हैं किसी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वैसे ही हर रिंग के वजह से यहाँ पे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे ऐड कर देंगे, बट इनफाइनाइट जो को ऐड करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो अब देखिए अभी पॉइंट पी को मैंने फिक्स करके रखा है, करेक्ट, तो दैट्स व्हाई अब यहाँ पे डी वी इक्वल टू, अब हम लोग सिर्फ पहले वन ऑफ द रिंग के कारण निकाल रहे हैं जिस पे चार्ज डी क्यू है, तो डी वी इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा 2πr, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप हो जाएगा, सिग्मा 2πr dr डिवाइडेड बाई 4πε0 x स्क्वायर
अब प्लस आर स्क्वायर के पावर हाफ हो गया, करेक्ट। इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो क्या क्या कांस्टेंट है स्टूडेंट, सिग्मा 2 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, तो 2 पाई से 2 पाई को आप चाहेंगे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2 पाई और 4 पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो जो कांस्टेंट यहाँ तक देख लीजिए, चलिए तो dv इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r dr बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर हाफ, तो अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो v इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, बोलिए यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट एक्स को तो हम लोग गिवेन पॉइंट मान रहे हैं ना, तो आर का लिमिट कहां से कहां तक, बस तो जीरो से कैपिटल आर तक चले गए, तो आप सिर्फ एक रिंग के कारण या पूरा डिस्क के कारण निकाल लिए, क्योंकि वेरिएबल रेडियस का इनफाइनाइट रिंग ले लीजिएगा तो नाउ इट बिकम्स डिस्क, हाँ या ना। और अब तो इसका इंटीग्रेशन आप सब कर ही लेंगे, क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन तो 2-3 बार, व्हाट इज द वेरिएबल आर ना, तो अभी जस्ट इस टाइप का प्रॉब्लम तो अभी जस्ट बनाए भी थे, याद है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या मानना रहता है बाई, तो डी वाई बाई यहां पे क्या करेंगे डी आर ना, तो डी वाई बाई डी आर कीजिएगा क्योंकि वेरिएबल आर है, तो क्या हो जाएगा, और अभी हम लोग एक्स को कॉन्स्टेंट मान रहे हैं तो ये हो जाएगा 2R, तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2R dr, यानी कि R dr इक्वल टू dy बाई 2, हाँ या ना, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट dy बाई 2 और एक ए वैल्यू कितना था y के पावर हाफ, तो बोलिए y के पावर हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया v इक्वल टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट और क्या वो ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, अब बाई के पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन इसे प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ, और हाफ से डिवाइड भी तो करेंगे तो सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर में 2, देखिए तो सही है, तो चलिए तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट और बाई का वैल्यू क्या था स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और लिमिट आर का कहां से कहां तक लेना था जीरो से कैपिटल आर, लिमिट पुट कीजिए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, बोलिए 2 को बाहर ले लीजिए 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ या ना, अब माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर तक यही हो जाएगा ना, देखिए तो इसको बॉक्स में कर देते हैं, वो आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया,
अब यहाँ देखिए, इस पर कल बहुत बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। आपको नहीं लगा कि यह पूरा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है? कौन सा कोऑर्डिनेट है? इसका मतलब है कि इनफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे ई वाई और ई जेड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। सिर्फ क्या रहेगा? ई एक्स रहेगा। क्या रहेगा? ई एक्स रहेगा। ओके, तो यहाँ से आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ देखिए इसी फार्मूला से। एक मिनट, थोड़ा डेमो दे देते हैं। अगर बताइए आर का वैल्यू अगर इन्फिनिटी कर दें, एक कैपिटल आर को इन्फिनिटी कर दें, तो क्या हो जाएगा? आपको नहीं था कि आर का वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे तो डिस्क बहुत बड़ा इनफाइनाइट डिस्क हो जाएगा, है ना? तो वही तो इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन हो जाएगा। नाउ बिकम्स व्हाट? तो यहाँ इस फार्मूला से ही इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डेवलप कर देंगे, और जिसको दोबारा गॉस लॉ से भी डेवलप करेंगे। करेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलिए।